जिंदगी रोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया जमती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। क्या काल से जुड़ी होगी नए विलेन की कहानी? कैसी कहानी से जुड़ेगा सुपर विलेन? क्यों मेकर्स ने प्रीवियस फिल्म में हाइड कर रखा था ये विलेन? जानेंगे इन्हीं तमाम सवालों के जवाब और कहां बल्कि अपनी आज की इस वीडियो में ना। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू टुडेज वीडियो। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज। दोस्तों, आज से 19 साल पहले जब हमारे सामने कोई मिल गया रिलीज हुई, तब शायद हमने कभी नहीं सोचा था कि ये कहानी इतनी आगे बढ़ जाएगी और एक दिन इसका मेन हीरो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का मोस्ट सक्सेसफुल सुपर हीरो बनेगा। लेकिन 2013 में आई इसकी थर्ड फिल्म क्रिश 3 में हमें जो एक्शन VFX देखने को मिला, उससे हमें अंदाजा लगा ही लिया था कि क्रिश इज गोइंग टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल सुपर हीरो ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। और यही रीजन है कि फैंस आज भी इसके फोर्थ पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बट कई सालों से फिल्म को लेकर कोई खास अपडेट नहीं आई, जिस वजह से फैंस ने फिल्म को लेकर उम्मीदें ही छोड़ दी थी। लेकिन लास्ट ईयर ऋतिक के एक पोस्ट ने फैंस को एक बार फिर से एक्साइटेड कर दिया। यानी एक्टर ने खुद ही फिल्म को लेकर लास्ट ईयर अनाउंसमेंट किया था और ये कंफर्म किया कि फाइनली फिल्म आ रही है और बहुत जल्द ही फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होगी। लेकिन जब से फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ है, उसके बाद से ही फैंस आने वाली स्टोरी के लिए, नए विलेन के बारे में जानने के लिए बहुत एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि अभी सोर्सेस की तरफ से फिल्म के विलेन से जुड़ी कुछ खबरें भी नहीं आई हैं, जिससे ये प्रूफ हो रहा है कि इस बार मेकर्स फिल्म के विलेन को बियॉन्ड द इमेजिनेशन प्लान कर रहे हैं। सबसे पहली न्यूज तो ये है कि जैसे क्रिश फ्रेंचाइज के कैरेक्टर जेनेटिकली पिछले किसी कैरेक्टर से जुड़े होते हैं, वैसे ही यहाँ भी हमें देखने को मिलने वाला है। यानी फिल्म का विलेन लास्ट फिल्म के काल से कनेक्टेड ही होगा। दोस्तों, अब लास्ट फिल्म में काल ने अपनी लैब में कितने अलग अलग जीवों को बनाया था, है ना, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन जब वहाँ रोहित मेहरा यानी खुद उसके पिता लैब में मौजूद थे, तो आखिर उसने उनका इस्तेमाल करके उन पर कोई एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं किया होगा? जी हाँ, यानी फिल्म में जब रोहित काल की लैब में जाता है, उसी बीच वो उनके बोन मैरो के साथ साथ उनके DNA को लेकर भी एक्सपेरिमेंट करता है। और अगर आपको याद हो तो काल हमेशा से कहता था फ्यूजन इज द फ्यूचर। यानी जहाँ काल सिर्फ अपने DNA का इस्तेमाल करके मैनवर जैसी जीव बना रहा था, तो वहीं जब उसके पास खुद की शक्ति का सोर्स होगा तो वो क्या क्या बना सकता है। तो बस इसी ख्याल के साथ काल अपने DNA के साथ साथ रोहित और कई जानवरों के DNA को मिलाकर एक नया मैनवर तैयार करता है, जिसे बनाने में आम प्रोजेक्ट से कुछ ज्यादा ही समय लगता है। और यही वजह है कि फिल्म के एंड तक हमें वो नजर नहीं आया। लेकिन अब खबरें ऐसी हैं कि फिल्म की कहानी को वहीं से आगे बढ़ाया जाएगा और फिल्म में रोहित और उसके बेटे क्रिश से टक्कर लेने इस बार आएगी काल की संतान। अब उसके सुपर पावर्स और लुक कैसे होंगे, इसका जवाब हम आपको देंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमें कमेंट्स में ये बताइए कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और आपके हिसाब से इस बार विलेन के पास क्या सुपर पावर्स हो सकते हैं। चलिए, लेती हूँ आप सभी से विदा, मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये तो बता दूं, अगर आप लोग भी इस फील्ड में हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई जॉब लिंक पर क्लिक करके इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को भी प्लीज लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को। नमस्कार।